एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नए साल 2024 के पहले दिन दमोह जिले के कलेक्टर मयंक अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा बुजुर्गों का फूलमालाओं, शॉल, श्रीफल, मिठाई का डिब्बा देकर सम्मान किया गया, तो वहीं बुजुर्गों के द्वारा दोनों अधिकारियों को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों से उनकी समस्याएं भी जानी। बुजुर्गों ने कुछ समस्याओं के विषय में जानकारी दी तो उन्होंने शीघ्रता के साथ उन समस्याओं के समाधान की बात भी कही। इसके साथ ही वृद्धाश्रम का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बुजुर्गों के द्वारा वृद्धाश्रम परिसर में लगाए गए सब्जी के बागान का भी निरीक्षण किया, साथ ही आवश्यकता के विषय में पूछ करके आवश्यकता की पूर्ति के निर्देश भी दिए। साथ ही यहां पर शीघ्रता ही सारे काम पूरा करने के निर्देश भी कलेक्टर मयंक अग्रवाल के द्वारा दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ठीक है, साफ सफाई का एक लग रहा है और हाँ। और कैसी खाना पीना कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपने खूब रास्ता आराम से उठा लेना।
जी नया साल है उसके लिए सभी दमोह वासियों को इसकी शुभकामनाएं। वृद्धाश्रम कई समय से चल रहा था, काफ़ी सारे काम लगे हुए हैं और उसमें हम लोग ये देखना है कि जल्द से जल्द जो कमियां रह गई हैं उसको पूर्ति करा दी जाए और इस दिन नव वर्ष के दिन वृद्धों से सबका आशीर्वाद भी मिल जाए, ये भी कोशिश है। कुछ वृद्धों ने कुछ सौंपा भी है, कुछ समस्याओं के विषय में बताया? हाँ, कुछ समस्याएं बताई भी हैं क्योंकि काफ़ी सारा काम लगा हुआ है और कुछ साफ़ सफाई के लिए एक अलग से आदमी लगाने के लिए उन्होंने कहा है।